सीरीज ऑफ गेम थ्योरी के फिफ्थ वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में ग्राफिकल मेथड से गेम थ्योरी का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है वो समझाऊंगा। इस वीडियो के पहले मैं 4 वीडियोज गेम थ्योरी पर अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके उसके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज। इस चैनल पर मैं हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। आप यदि हायर मैथमेटिक्स अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज हम लोग देखेंगे ऐसे गेम का सॉल्यूशन जिसमें से दो कॉलम हो और ग्राफिकल मेथड से, सॉल्यूशन ऑफ गेम बाय ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं जिसमें से दो कॉलम हो, यानी बी के लिए प्योर स्ट्रेटजी जो है वो दो होना चाहिए। तो सॉल्व द फॉलोइंग गेम ग्राफिकली, इसको ग्राफिकल तरीके से सॉल्व करना है जिसमें से ए के पास 3 स्ट्रेटजीज है प्योर स्ट्रेटजी और बी के पास 2 प्योर स्ट्रेटजी है, ये इसका पे ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है तो इसको रिड्यूस करते हैं 2x2 गेम में जिसमें से 2 रो और 2 कॉलम हो। तुम देखोगे इसका कोई सेडल पॉइंट नहीं है, अगर सेडल पॉइंट होगा तो उसका सॉल्यूशन तो वहीं से निकल जाएगा, लेकिन चेक करो इसका सेडल पॉइंट है कि नहीं। सेडल पॉइंट चेक करने के लिए क्या करते हैं, रो का मिनिमम वैल्यू लेते हैं। तो रो का मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट रो का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 2 और 7 में से मिनिमम 2 है, इस दोनों में से मिनिमम 3 है, इस दोनों में से मिनिमम 2 है। फिर कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, तो इस कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू 11 है और इस कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू 7 है। कोई ऐसा कॉमन वैल्यू नहीं मिल रहा है जो रो का मिनिमम भी है और कॉलम का मैक्सिमम भी है। अगर कोई रो का मिनिमम और कॉलम का मैक्सिमम कॉमन वैल्यू होता तो वही सेडल पॉइंट होता है। तो यहाँ 2, 3, 2 है और यहाँ 11, 7 है, डिफरेंट है, कॉमन वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए इसका सेडल पॉइंट नहीं होगा। अगर सेडल पॉइंट नहीं है तो ये प्योर स्ट्रेटजी नहीं होता है बल्कि ये मिक्स्ड स्ट्रेटजी होता है, और इसको सॉल्व करने के लिए इसको 2x2 गेम में रिड्यूस करना पड़ता है। तो किसी एक रो को यहाँ पर हम लोग को रिमूव करना पड़ेगा और रिमूव करने के लिए हम लोग ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे। तो द गिवन गेम हैज़ नो सेडल पॉइंट, देयरफॉर इट इज रिड्यूस्ड टू 2x2 गेम बाय द ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, बी जो 2 स्ट्रेटजी है वो मान लेते हैं कि फर्स्ट स्ट्रेटजी को वाई प्रोबेबिलिटी से चूज कर रहा है, फर्स्ट स्ट्रेटजी प्योर स्ट्रेटजी ये चूज करने का प्रोबेबिलिटी वाई है और सेकेंड प्योर स्ट्रेटजी को चूज करने का प्रोबेबिलिटी 1-y है, क्योंकि दोनों के प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। अगर इसका y1 मान ले और सेकेंड वाला का y2 मान ले तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर भी दोनों का सम 1 हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी है y और इसका प्रोबेबिलिटी है 1-y, तो दोनों का सम करेंगे तो ये 1 आ जा रहा है। अब जरा ध्यान देना, तो लेट y एंड 1-y आर द प्रोबेबिलिटीज विथ विच द प्लेयर बी यूजेज हिज प्योर स्ट्रेटजी। ये जो 2 प्योर स्ट्रेटजी है इसको यूज कर रहा है इसको y प्रोबेबिलिटी से और इसको 1-y प्रोबेबिलिटी से, जहाँ पर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये काम करने के बाद इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग मान लेते हैं, उसके बाद हम लोग b का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा बी का। अगर ये प्लेयर जो है वो फर्स्ट स्ट्रेटजी अगर चूज करे तो बी का क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा, अगर सेकेंड स्ट्रेटजी चूज करता है ये तो बी का क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा, अगर ये थर्ड प्योर स्ट्रेटजी चूज करता है तो बी का क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा। इसके लिए हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। तो बीज एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन एंड एक्सपेक्टेड गेन, तो प्योर स्ट्रेटजी यूज बाय ए के द्वारा जो 3 स्ट्रेटजी है तीनों में से कोई भी यूज कर सकता है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड के लिए अलग अलग एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा बी का। तो बीज एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, तरीका क्या होता है एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन निकालने का। सपोज करो ए प्लेयर फर्स्ट स्ट्रेटजी को चूज करे उस समय बी का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा, एक्सपेक्टेड गेन क्या होगा, तो इसको ई भी से डिनोट करते हैं एक्सपेक्टेड गेन को। और ये निकालते कैसे हैं,
इस स्ट्रेटजी को चूज करने का जो प्रोबेबिलिटी है उसको इस पे ऑफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 × y प्लस यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, यानी 7 × 1 − y। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल गया, एक्सपेक्टेड गेन निकल गया बी प्लेयर के लिए। तो बी प्लेयर का एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर, जिसको हम लोग ई भी से डिनोट करेंगे, तो ई भी से डिनोट करेंगे तो ये आएगा 2y प्लस 7 × 1 − y। और इसको अगर हम लोग आगे सिंप्लीफाई कर लें तो 2y माइनस 7y माइनस 5y हो जाएगा और प्लस 7 हो जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू, अगर फर्स्ट स्ट्रेटजी ए प्लेयर चूज करता है उस समय बी का ये एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड स्ट्रेटजी अगर चूज करे उस समय बी का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा, 3 × y प्लस 5 × 1 − y। तो इस समय आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू को ई ऑफ बी से डिनोट करते हैं, तो 3y प्लस 5 × 1 − y। और इसको अगर सिंप्लीफाई कर दे 3y माइनस 5y तो −2y प्लस 5 आ रहा है। और अगर हम लोग देखें कि अगर ए प्लेयर थर्ड स्ट्रेटजी को चूज करता है, थर्ड प्योर स्ट्रेटजी को, उस समय बी का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा, तो 11 को y से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 को 1 माइनस y से, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू यहां पर आ जाएगा 11 × y प्लस 2 × 1 − y। तो ये तुम सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 11y माइनस 2y मीन्स 9y और प्लस 2। अब एक काम और करेंगे, y का जो वैल्यू होगा, y का वैल्यू ये प्रोबेबिलिटीज है, तो प्रोबेबिलिटी का मिनिमम वैल्यू 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। इस स्ट्रेटजी को चूज करने का मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। तो 0 और 1 के करस्पॉन्डिंग भी हम लोग निकाल लेते हैं कि एक्सपेक्टेड गेन कितना होगा। तो अगर हम लोग 0 पुट कर दें यहाँ पर, y के जगह 0 पुट कर दें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना आएगा, y के जगह 0 पुट करने से 7 आएगा, और y के जगह 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर 2 आएगा। फिर इसमें भी, इस एक्सपेक्टेड वैल्यू में भी y के जगह 0 पुट करते हैं तो 5 होगा, और y के जगह 1 पुट करते हैं तो 3 होगा। यहाँ पर y के जगह 0 पुट करते हैं तो 2 आएगा, और y के जगह 1 पुट करते हैं तो 11 आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये जो लाइन बनेगा ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग एक एक्सिस लेंगे, एक वाई एक्सिस और एक ई वी एक्सिस लेंगे, मतलब एक एक्सिस में वाई का वैल्यू पुट करेंगे और दूसरे एक्सिस में ई वी का वैल्यू, ई ऑफ बी का वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो द 3 पे ऑफ लाइन्स आर प्लॉटेड इन द फॉलोइंग फिगर। ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ग्राफ में प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, तुम यहाँ पर देख रहे हो कि एक वाई वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल ई ऑफ वी है, मतलब एक एक्सिस में वाई को डिनोट करेंगे तो दूसरे एक्सिस में ई ऑफ वी को डिनोट करेंगे। तो एक एक्सिस ले रहे हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसमें वाई को रिप्रेजेंट करेंगे, और एक वर्टिकल एक्सिस ले रहे हैं जिसमें ई ऑफ वी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वाई का जो वैल्यू है 0 से लेकर के 1 तक ही होगा। यहाँ पर वाई बता रहा है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1। तो एक 0 यहाँ पर हो जाएगा, वाई का वैल्यू 0 यहाँ पर होगा, और यहाँ पर हम लोग वाई इक्वल टू 1 ले रहे हैं। ये जो डिस्टेंस ले रहे हैं कितना ले रहे हैं, 1 यूनिट डिस्टेंस ले रहे हैं। तो 1 यूनिट पर भी एक हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये y इक्वल टू 1 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है, तो y इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा y इक्वल टू 0। ये जो 0 दिख रहा है वो इस लाइन का 0 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 1 है। तो इसमें y इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर हम लोग y इक्वल टू 1 लेंगे, ये y एक्सिस हो गया, मीन्स यहाँ पर हम लोग y को रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें e ऑफ v को रिप्रेजेंट करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू को। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का तुम देख लो यहाँ पर क्या मैक्सिमम वैल्यू है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो 0 पर तो 7 है, लेकिन 1 पर 11 है, तो मैक्सिमम 11 है, कोई नेगेटिव नहीं है, सारा पॉजिटिव है। तो हम लोग मैक्सिमम यहाँ 11 तक दिखाना पड़ेगा, नेगेटिव रहता तो हम लोग को नेगेटिव भी दिखाना पड़ता, लेकिन यहाँ नेगेटिव नहीं है सिर्फ पॉजिटिव है। तो हम लोग 1, 2, ये तो 0 हो जाएगा,
ई ऑफ वी में एक्सपेक्टेड जो वैल्यू आएगा उसमें यहाँ पर है 0, 1, 2, 3 से लेकर के मैक्सिमम जो 11 है वहाँ तक हम लोग इसको दिखा देंगे। एक और लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए हैं, इसमें भी हम लोग सेम तरीके से 11 तक दिखा देंगे। ये जितना डिस्टेंस पर 1 है उतना ही डिस्टेंस पर यहाँ पर भी 1 है, फिर नेक्स्ट जो डिस्टेंस पर 2 है उतना ही डिस्टेंस पर यहाँ पर 2 है। अब आगे क्या करते हैं जरा देखो। अब हम लोग ये फर्स्ट स्ट्रेटजी के लिए देखते हैं, अगर प्योर स्ट्रेटजी ए के द्वारा अगर फर्स्ट स्ट्रेटजी यूज किया जा रहा है तो y इक्वल टू 0 पर 7 लेंगे पॉइंट और y इक्वल टू 1 पर हम लोग 2 पॉइंट लेंगे। तो 7 और 2 ग्राफ में हम लोग दिखाएंगे। तो y इक्वल टू 0 वाला ये लाइन है, y इक्वल टू 0 वाला ये लाइन है, इस पर हम लोग एक पॉइंट 7 लेते हैं, यहाँ थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और सर्कल से घेर देते हैं। और y इक्वल टू 1 वाला ये लाइन है तो ये लाइन पर हम लोग 2 लेते हैं पॉइंट और इसको हम लोग बोल्ड करके घेर देते हैं। अब उसके बाद इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो 7 और 2 को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन हो गया, मतलब ये कौन सा इक्वेशन हो गया, अगर इसको लिखें तो ई ऑफ वी इक्वल टू -5y+7। ये फर्स्ट स्ट्रेटजी अगर ए यूज करता है तो ये लाइन बन रहा है, ये पे ऑफ फंक्शन का लाइन हो गया। और सेकेंड स्ट्रेटजी अगर ए के द्वारा यूज किया जाए उस समय जो लाइन बनेगा उसको ड्रॉ करने के लिए y इक्वल टू 0 पर 5 लेंगे और y इक्वल टू 1 पर 3 लेंगे। तो y इक्वल टू 0 ये लाइन है, यहाँ पर हम लोग 0.5 लेते हैं और दूसरा लाइन है y इक्वल टू 1 उस पर 0.3 लेते हैं। ये दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, अगर इसको इक्वेशन लिखें तो E ऑफ V इक्वल टू यहाँ पर देख रहे हो -2y+5 है। और फिर एक थर्ड लाइन जो ड्रॉ करेंगे उसमें y इक्वल टू 0 पर 0.2 लेंगे और y इक्वल टू 1 पर 0.11 लेंगे। तो यहाँ पर y इक्वल टू 0 ये लाइन है, इस पर हम लोग 0.2 लेते हैं और यहाँ पर हम लोग इस लाइन पर 0.11 लेते हैं और इसको हम लोग मिला देते हैं। तो इसको मिलाने से भी एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ये जो है वो थर्ड लाइन का इक्वेशन हो गया। थर्ड लाइन जो है वो है E ऑफ V इक्वल टू 9y+2 और ये कौन सा स्ट्रेटजी के लिए है, ये जो है वो थर्ड स्ट्रेटजी के लिए है। ये जो लाइन था ये किस स्ट्रेटजी के लिए था, ये फर्स्ट स्ट्रेटजी के लिए था और ये जो लाइन था वो सेकेंड स्ट्रेटजी के लिए था। तो स्ट्रेटजी को भी यहाँ पर इंडिकेट कर दे रहे हैं, ये फर्स्ट स्ट्रेटजी, ये सेकेंड स्ट्रेटजी और ये थर्ड स्ट्रेटजी के लिए है। ए जो है वो प्योर स्ट्रेटजी फर्स्ट सेकेंड थर्ड यूज करता है तो ये लाइन हो गया। अब जरा ध्यान देना यहाँ पर ये जो लाइन बता रहा है वो क्या बता रहा है, ये लाइन जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी को क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा। तो बी चाहता क्या है, जब गेम थ्योरी का प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं तो बी क्या चाहता है कि जो मैक्सिमम लॉस हो रहा है उसको वो मिनिमाइज करना चाहता है। तो मैक्सिमम लॉस जो है वो सबसे ऊपर वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा, ग्राफ का जो ऊपर वाला पार्ट है वो मैक्सिमम लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैक्सिमम लॉस यानी जो अपर बाउंड्री है, अपर बाउंड्री को तुम थिक कर दो, थोड़ा मोटा कर दो इसको, तो ये जो अपर बाउंड्री होगा ग्राफ का उसको हम लोग यहाँ पर मोटा कर रहे हैं और ये जो है वो सबसे ज़्यादा लॉस को बता रहा है, मैक्सिमम लॉस को बताएगा ये बी प्लेयर के लिए। तो ये पॉइंट को हम लोग सपोज करते हैं, इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए, यहाँ पर पी दे रहे हैं और यहाँ पर बी दे रहे हैं। तो ए पी बी जो अपर बाउंड्री है ये मैक्सिमम लॉस को बता रहा है और बी चाहता है जो मैक्सिमम लॉस होगा उसको मिनिमाइज करना। तो इस मैक्सिमम लॉस में से मिनिमम वैल्यू कौन सा मिल रहा है, पी मिल रहा है। तो ये पी पॉइंट पर ही जो वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर ये वाई का जो वैल्यू मिलेगा, यहाँ से अगर हम लोग आगे ड्रॉ कर दें तो वाई का जो वैल्यू मिलेगा वही इसका एक प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, वाई का प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो वाई का वाई कौन सा प्रोबेबिलिटी था, फर्स्ट स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करने का। तो अगर यहाँ से लाइन ड्रॉ करें, ये तो डिस्टेंस 1 है तो इस डिस्टेंस को 1 माने हुए हैं और यहाँ पर अगर ये पी पॉइंट है यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दें तो वाई का वैल्यू मिल जाएगा कि वो बेस्ट स्ट्रेटजी के लिए वाई का क्या वैल्यू है। तो ग्राफ से ही पता किया जा सकता है कि क्या वैल्यू है या फिर हम लोग इसको मैथमेटिकली भी पता करेंगे। तो ग्राफ से छोड़ दो पता करना, मैथमेटिकली इसको हम लोग पता कर लेंगे, लेकिन यही वाई का यहाँ पर वैल्यू आएगा पी के पॉइंट के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी के लिए। और ए जो आप चूज करेगा, ए जो चूज करेगा वो फर्स्ट और थर्ड स्ट्रेटजी चूज करेगा, यानी कि सेकेंड को हम लोग इग्नोर कर देंगे। जो थिक लाइन है
ये थिक लाइन जो है वो किस स्ट्रेटजी के लिए है, ए के लिए फर्स्ट स्ट्रेटजी है और कौन सा स्ट्रेटजी के लिए थर्ड स्ट्रेटजी, ये जो पी पॉइंट दो लाइन को इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट है, तो ये हम लोग चेक करेंगे कि इंटरसेक्शन पॉइंट किस लाइन का है, ये फर्स्ट लाइन का है और फर्स्ट स्ट्रेटजी के लिए है और थर्ड स्ट्रेटजी के लिए है। तो ए फर्स्ट और थर्ड स्ट्रेटजी को चूज करेगा और सेकेंड स्ट्रेटजी को हम लोग रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से ए के लिए भी दो ही स्ट्रेटजी बचेगा और बी के लिए तो पहले से दो स्ट्रेटजी था, तो वहाँ पर क्या होगा, 2x2 मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया। अब इसके बाद फिर हम लोग क्या लिखते हैं कि नाउ द हाइएस्ट बाउंड्री ए पी बी थिक लाइन इन फिगर, जो हाइएस्ट बाउंड्री था ए पी बी, ये थिक लाइन से हम लोग डिनोट किए फिगर में, टू दिस लाइन्स गिव द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड पे ऑफ टू बी, ये बी का एक्सपेक्टेड पे मैक्सिमम एक्सपेक्टेड पे ऑफ बता रहा है और बी चाहता है मैक्सिमम लॉस को मिनिमाइज करना। तो द लोवेस्ट पॉइंट पी ऑन दिस हाइएस्ट बाउंड्री विल गिव मिनी मैक्स एक्सपेक्टेड पे ऑफ टू बी, तो जो लोवेस्ट पॉइंट है ये मैक्सिमम एक्सपेक्टेड लॉस हो गया और उसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो पी पर मिलेगा, ये मिनी मैक्स हो गया, बी चाहता है मिनी मैक्स करना, तो मिनी मैक्स जो वैल्यू मिलेगा वो पी पर मिलेगा। और दस द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए आर फर्स्ट एंड थर्ड प्योर स्ट्रेटजी थ्रू द पॉइंट पी, ये जो प्लेयर ए के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी होगा ये पी पॉइंट जिस लाइन से पास कर रहा है, फर्स्ट से और थर्ड से पास कर रहा है, तो ए प्लेयर के लिए फर्स्ट और थर्ड स्ट्रेटजी जो है वो बेस्ट स्ट्रेटजी होगा। तो देयर फॉर द गेम इज रिड्यूस्ड टू 2x2 गेम गिवन बाय द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, ए प्लेयर का फर्स्ट और थर्ड स्ट्रेटजी को रखेंगे और सेकेंड स्ट्रेटजी को रिमूव कर देंगे। अब उसके बाद ये 2x2 गेम में बदल जाएगा, तो क्या होगा 2x2 गेम इसके लिए देखो आगे। अब हम लोग क्या करते हैं, प्लेयर ए के लिए जो सेकेंड स्ट्रेटजी था उसको रिमूव कर देते हैं और सिर्फ फर्स्ट और थर्ड स्ट्रेटजी को रखते हैं। तो 2-7 फर्स्ट स्ट्रेटजी के लिए होगा और 11-2 जो है वो थर्ड स्ट्रेटजी के लिए होगी, ये थर्ड स्ट्रेटजी है ए प्लेयर का। अब हम लोग क्या करते हैं, अब बी प्लेयर का तो ये दोनों स्ट्रेटजी रहेगा, ये थर्ड स्ट्रेटजी होगा और बी प्लेयर का दोनों स्ट्रेटजी रहेगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इसका कोई सेडल पॉइंट नहीं होगा, चेक करके देख सकते हो इसका अब सेडल पॉइंट, जैसे मान लो इस दोनों का मिनिमम वैल्यू क्या है 2, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है 2, इसका मैक्सिमम वैल्यू 11 और इसका मैक्सिमम वैल्यू 7, कोई मिनिमैक्स मिनिमम में से और मैक्सिमम में से कोई कॉमन वैल्यू नहीं, यानी कि सेडल पॉइंट नहीं है। तो इसको अब सॉल्व करने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, जो फार्मूला होता है उस फार्मूला से हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ये मिक्स्ड स्ट्रेटजी होगा प्लेयर ए और बी के लिए, तो मिक्स्ड स्ट्रेटजी हो जाएगा, यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि इस स्ट्रेटजी को चूज करने का क्या प्रोबेबिलिटी है और इसको चूज करने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सपोज कर लेते हैं कि प्लेयर ए का फर्स्ट और थर्ड स्ट्रेटजी को चूज करने का प्रोबेबिलिटी x1 और x2 है। इफ़ x1 एंड x2 आर द प्रोबेबिलिटीज, तो अब सपोज कर रहे हैं कि लेट x1 एंड x2 आर द प्रोबेबिलिटीज टू चूज फर्स्ट एंड थर्ड प्योर स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए। प्लेयर ए जो है वो फर्स्ट और थर्ड स्ट्रेटजी को चूज करे, इसका प्रोबेबिलिटी x1 x2 मान लिए, एंड y1 y2 आर द प्रोबेबिलिटी टू चूज फर्स्ट एंड सेकेंड प्योर स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी। प्लेयर बी के लिए फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रेटजी को चूज करने का प्रोबेबिलिटी y1 और y2 हम लोग मान लेते हैं। तो जरा समझोगे, यहाँ पर ये v11 हो गया, इसको हम लोग कहेंगे v11 का वैल्यू कितना है 2, और फिर इसी तरीके से ये जो है वो v12 बता रहा है, ये v21 यहाँ पर v21 हो गया 11 और v22 हो गया 2। ये पी ऑफ मैट्रिक्स में होता है, v11 से डिनोट करते हैं पी ऑफ को। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है, x1 निकालने का फॉर्मूला है, x1 निकालने के लिए v22 माइनस v21 डिवाइडेड बाय v11 प्लस v22 माइनस v12 प्लस v21, यही फॉर्मूला होता है। अब v22 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 2 है, और v21 का वैल्यू कितना है, v21 का 11 है, और डिवाइडेड बाय v11 का वैल्यू 2 है, v22 का वैल्यू 2 है, और माइनस यहाँ पर v12 का वैल्यू 7 है और v21 का वैल्यू 11 है, तो ये आ रहा है -9 और डिवाइडेड बाय ये 4 -18,
तो ये आ रहा है माइनस 14, ये कैंसिल होकर के आ गया 9/14। फिर x2 निकालने का फॉर्मूला होता है v11 माइनस v12 और डिवाइडेड बाय v11 प्लस v22 माइनस v12 और प्लस v21। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला में बैठा देते हैं, तो v11 का वैल्यू है 2 और v12 का वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू 2+2 जो ऊपर लिखे हैं वही होगा -7+11। तो यहाँ पर आया -5 और डिवाइडेड बाय -14 यानी कि ये आ रहा है 5/14। अब ये दोनों का सम करके देखोगे तो ये 1 आना चाहिए, तो 9/14 प्लस 5/14 ये 1 हो जाएगा। तो ये x1 और x2 निकल गया प्रोबेबिलिटी। अब फिर y1 और y2 कैसे निकालेंगे, चलो आगे देखते हैं। अब फिर हम लोग y1 और y2 निकाल लेते हैं। तो y1 निकालने का ये फॉर्मूला होता है v22 माइनस v12 डिवाइडेड बाय v11 प्लस v22 माइनस v12 प्लस v21। तो इस फॉर्मूला में सभी का वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करके देख सकते हो 5/14 आ जाएगा। y2 का भी जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला में पुट करके निकाल सकते हो 9/14 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग को सभी वैल्यू पता है, इस वैल्यू को पुट करेंगे तो वहाँ से y1 और y2 निकाल लेंगे। और सपोज कर लेते हैं कि v बी द वैल्यू ऑफ गेम टू ए, वैल्यू ऑफ द गेम मान लेते हैं v है, तो v निकालने का भी फॉर्मूला होता है v11 v22 माइनस v12 v21 डिवाइडेड बाय v11 प्लस v22 माइनस v12 प्लस v21। यहाँ से भी हम लोग ये सारे वैल्यू को पुट कर लेंगे, तो ये वैल्यू पुट करने से और कैलकुलेट करेंगे तो ये 73/14 आ गया। तो ये हो गया y1 y2 और वैल्यू ऑफ द गेम। तो अब ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या होगा प्लेयर ए और प्लेयर बी के लिए। तो प्लेयर ए के पास 3 स्ट्रेटजी था, जिसमें से फर्स्ट और थर्ड स्ट्रेटजी का ही यहाँ पर चूज करने का प्रोबेबिलिटी निकालें और सेकेंड स्ट्रेटजी को रिमूव कर दिए, यानी कि सेकेंड स्ट्रेटजी का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड स्ट्रेटजी का प्रोबेबिलिटी x1 और x2 हम लोग निकाल के रखे हुए हैं। x1 का वैल्यू निकला हुआ है 9/14 और x2 का वैल्यू जो निकला हुआ है वो 5/14 निकला हुआ है। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी को चूज करने का 9/14 और थर्ड स्ट्रेटजी को चूज करने का 5/14 और सेकेंड स्ट्रेटजी का 0। तो जब मिक्सड स्ट्रेटजी में हम लोग सॉल्यूशन देते हैं तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ही लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेंस ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए, तो फर्स्ट स्ट्रेटजी का 9/14 सेकेंड रिमूव कर दिए थे उसका प्रोबेबिलिटी 0 और थर्ड स्ट्रेटजी का 5/14, ये ऑप्टिमल स्ट्रेटजी हो गया फॉर प्लेयर ए। इसी तरीके से ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी, बी के प्लेयर के लिए दो ही स्ट्रेटजी था फर्स्ट और सेकेंड, जिसका प्रोबेबिलिटी y1 y2 माने थे। तो y1 का वैल्यू है 5/14 और y2 का वैल्यू है 9/14। तो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी 5/14 9/14 हो जाएगा। और वैल्यू ऑफ द गेम फॉर प्लेयर ए, तो वैल्यू ऑफ द गेम टू प्लेयर ए के लिए क्या आ गया 73/14 निकाले हैं वैल्यू ऑफ द गेम, तो ये वैल्यू ऑफ द गेम हो गया। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। इस तरीके से हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जिसमें से दो कॉलम हो, दो अगर कॉलम रहे तो उसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ग्राफिकल मेथड में अगर सॉल्व करना है सेडल पॉइंट तो निश्चित रूप से नहीं होगा, और सेडल पॉइंट नहीं होगा तो हम लोग फिर उसको रिड्यूस करते हैं 2x2 मैट्रिक्स में, उसके लिए ग्राफ यूज करते हैं। और 2x2 मैट्रिक्स में जब रिड्यूस हो जाता है तो जो फॉर्मूलाज है x1 x2 वगैरह निकालने का, प्रोबेबिलिटी निकालने का, उस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं और फिर वैल्यू ऑफ द गेम निकालने का जो फॉर्मूला है उसमें पुट करते हैं। लास्टली हम लोग यहाँ पर ऑप्टिमल स्ट्रेटजी प्लेयर ए और प्लेयर बी के लिए लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस यहीं तक। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।